दोस्तों नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों यहाँ पर हम आपके रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे थे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर हम आपके क्या रीजनिंग के सेट्स करवा रहे थे, तो हमने आपके यहाँ पर फोर सेट हम करा चुके हैं, ठीक है। फोर सेट हम लोग कर लिए हैं अपने लोगों ने, तो यहाँ पर आज हम फाइव देखेंगे, जो जिसमें आपके क्या है साइलेंस के कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस सेट्स की आप क्या है कि PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को डाउनलोड ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप हम तैयारी करते रहिए और तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी कथन देखे हैं। सबसे पहले कथन है, उसके बाद उसका कॉन्क्लूजन निष्कर्ष दिया गया, इसके अकॉर्डिंग हमें आगे के जो क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो देखने हैं। देखिए इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है। जो कथन कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, हमें बस वैसा ही मानना है, ठीक है। चाहे वो कुत्ते को बिल्ली बोले, बिल्ली को कुत्ते बोले, कुछ भी बोले, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें क्या है जो इसमें दिया गया बस उसी टाइप से हमें मानना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कथन, सभी छकड़े कारे हैं, ठीक है। फिर है, सभी कारें गाड़ियां हैं। सभी कथन छकड़े हैं और सभी कारें गाड़ियां। देखिए इस टाइप से बना लो आप कि जो सभी, यहाँ पर कहा है कि जो छकड़े हैं, ठीक है, छकड़े हैं वो क्या हैं, सभी आपकी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, गाड़ियाँ हैं। तो इस टाइप से देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बुक से लिए हैं, बाकी आपके जो पिछले लास्ट के फाइव ईयर के पेपर हैं उनको आप उनके पूरे उनको पूरे सॉल्यूशन आपको इसी पे मिल जाएगा। जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे जस्ट 10 या 15 दिन पहले आपको हम वो पांचों सेक्शन करवा देंगे, तो उसके आप प्रॉब्लम मतलब उसकी आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहला है कि सभी छकड़े, अच्छा ये तो हो गया आपका निष्कर्ष क्या है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। फर्स्ट क्या है कि सभी छकड़े गाड़ियाँ, तो देखिए सभी छकड़े गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही है आपका, जितने भी छकड़े हैं हमारी क्या है गाड़ियाँ हैं। इसी टाइप से पूछा गया दूसरा कि क्या है, सभी गाड़ियाँ छकड़े हैं, ठीक है, सभी गाड़ियाँ छकड़े हैं। तो देखिए सभी छकड़े तो गाड़ियाँ बोला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सभी गाड़ियाँ भी आपका क्या है छकड़े हों। तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, कथन है शास्त्रीय संगीत दिव्य है, ठीक है। कथन क्या दिया गया है, शास्त्रीय संगीत, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, ठीक, यहाँ पर इस टाइप से शास्त्रीय संगीत है वह क्या है हमारा, दिव्य है, ठीक है। वह मतलब दिव्य है और प्रतिभाशाली लोग शास्त्रीय संगीत सरलता से सीख लेते हैं। जो प्रतिभाशाली लोग हैं वह क्या करते हैं, संगीत को सरलता से सीख लेते हैं, ठीक। तो चलिए इसी प्रकार से देखें निष्कर्ष पहला क्या है, जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं वे महान हो जाते हैं। देखिए महान की तो कोई बात ही नहीं की गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। महान महान वगैरह की कोई बात नहीं की गई, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है कि जो जो शास्त्री सीख लिया वे महान हो गए, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। जो इसमें दिया है हमें बस वही देखना है। तो पहला तो हो जाएगा यहाँ पर गलत। चलिए दूसरी की बात करते हैं, केवल प्रतिभाशाली लोग ही शास्त्रीय संगीत सीखते हैं। तो देखिए ये तो कहा गया है कि प्रतिभाशाली लोग शास्त्रीय संगीत सरलता से सीख लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि केवल प्रतिभाशाली लोग ही सीखें, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी, कि ना तो आपका निष्कर्ष ए सही है ना ही आपका बी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो कथनों के आगे चार निष्कर्ष दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ये देखिए किसी टाइप से पूछ सकता है, बस आपको ये देखना है कि निष्कर्ष कौन सा ठीक है। चलिए कथन है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, भारत जो है एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, ठीक है, ठीक, राष्ट्र यहाँ पर बन रहा है। और दूसरा क्या दिया गया, और क्या कहा गया है कि प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंधित है। जो प्रदूषण हमारा है वह क्या है, औद्योगिकरण से संबंधित है। अब चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं, ठीक है, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया कि सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं, ये जरूर कहा गया कि प्रदूषण जो है औद्योगिकरण से संबंध समस्या है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। चलिए दूसरा है, भारत प्रदूषित है, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है कि भारत प्रदूषित है, कहीं पे भी नहीं कहा गया है, ठीक है, ना इसमें, तो आपका ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर है प्रदूषित राष्ट्र, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, ठीक है, प्रदूषित राष्ट्र यहाँ पर औद्योगिक है। तो हाँ ये हो सकता है कि हमारा जो भारत राष्ट्र और भारत किससे जुड़ा हुआ है, हमारा औद्योगिकरण, औद्योगिकरण से क्या है, प्रदूषण से। तो हाँ ये जरूर है कि प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक हैं। और यहाँ पर फिर है आपका डी, भारत प्रदूषित हो सकता है, ठीक है, भारत प्रदूषित हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आपके, एक मिनट, यहाँ से सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, देखिए यहाँ पर वही मैं देख रहा था, यहाँ पर क्या है, देखिए हमने बोला था भारत प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि प्रदूषित राष्ट्र हैं भाई आपके औद्योगिक है। यहाँ पर क्या, भारत प्रदूषित हो सकता है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि भारत प्रदूषित हो सकता है, क्योंकि उसका देखिए जहाँ पर हो सकता हो और उनके बीच रिलेशन ना दिया गया हो तो वहाँ पर हम उसे सही माने, क्योंकि रिलेशन जब कुछ हमें नहीं पता हो, उसका डाउट में हो, तो हम क्या है कि वो मतलब हो सकता है, ठीक है, और जिनका दिया हो तो हमें देखना ही देखना है। यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका क्या सी सी हो जाएगा, केवल फोर्थ वाला ठीक है कि जो हमारा
फोर्थ वाला दिया गया है कि भारत प्रदूषित हो सकता है। ना समझ आए, एक और बैनर, एक डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। यही क्या यहाँ पर क्या कहा था कि जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत है वो एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, ठीक, औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, मतलब कि औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा क्या कहा था यहाँ पर, कि प्रदूषित प्रदूषण जो है औद्योगिकरण से संबंधित है। प्रदूषण है वह कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, औद्योगिकरण से, यानी कि औद्योगिक राष्ट्र किससे संबंधित है, औद्योगिकरण से। तो आप इस टाइप से करके देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है, देखिए 4 से 8 में क्या करना है हमें, जो 4 से 8 क्वेश्चन दिए गए इस टाइप से आता है, तो इसमें क्या करना है हमें, उनमें से कथन देखना है कि कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। आप ये कथन नोट कर लीजिए कि ये है आपके मतलब ऑप्शन। पहला है कि ए वाला ऑप्शन होगा तो केवल निष्कर्ष ए आंसर करता है, बी वाले में सेकंड और सी वाले में फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक, ठीक है, या फिर डी क्या है आपका, ना तो पहला करे ना ही दूसरा करे। चलिए इस टाइप से कथन देखते हैं कौन सा है। सभी मछलियाँ पक्षी हैं, ठीक है, सभी मछलियाँ हमारी क्या है, पक्षी हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगी, पक्षी हो जाएंगी आपकी, ठीक। फिर क्या है, क्या कहा है कि कुछ मुर्गियाँ मछली हैं, ये मछलियाँ हमारी इसमें से कुछ कुछ के लिए ऐसे तो बनाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारी मुर्गियाँ, ठीक, ये हमारी क्या हो जाएंगी, मुर्गियाँ। अब यहाँ पर देखते हैं हम कथन क्या है कि कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, कुछ मुर्गियाँ पक्षी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ मुर्गियाँ क्या है, मछलियाँ हैं, हो सकता है कुछ मछलियों कुछ पक्षी भी बैठे हों, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ मुर्गियों में कुछ पक्षी हो सकते हैं। सेकेंड है कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, कोई पक्षी यहाँ पर क्या है कि मुर्गी नहीं है। तो देखिए, तो फिर तो अगर कोई पक्षी यहाँ पर मुर्गी नहीं होगा, फिर आपका कुछ मुर्गियाँ पक्षी नहीं हो सकती, तो इसमें एक ही ठीक हो सकता है, या तो कुछ मुर्गियाँ पक्षी हों या फिर कोई पक्षी मुर्गी ना हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा यहाँ पर, कि या तो आपका फर्स्ट आंसर करेगा या फिर आपका सिर्फ सेकेंड ही आंसर करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर जो हमारे जानवर हैं, सभी जानवर, ठीक भाई, क्या हैं आपके, कुत्ते हैं, सभी जानवर हमारे क्या हैं यहाँ पर, कुत्ते हैं। और कहा गया है कि सभी कुत्ते जो हैं हमारे पक्षी हैं, ठीक, तो इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, कुत्ते को उसने पक्षी बोला कुछ नहीं बोले, कुत्ते क्या हैं, पक्षी हैं। चलिए अब निष्कर्ष क्या है कि सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं, बिल्कुल ठीक है, पहला वाला सही है आपका। फिर दूसरा कहा गया सभी पक्षी जानवर, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया यहाँ पर, क्या कहा गया है कि सभी जानवर पक्षी हैं, ना कि सभी पक्षी जानवर हैं। यहाँ पर आपका सिर्फ क्या निकलेगा, निष्कर्ष ए सही निकलेगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी टाइप से 6 है, कुछ बसें, देखिए जब कुछ वाला होता तो हम इस टाइप से बिना रेख बनाते हैं कि इसमें क्या है, कुछ बसें और चौपहिया के लिए मैं 4 से लिख दे रहा हूँ, 4 पहिया वाहन है और सभी चौपहिया वाहन बैन है, जितने भी आपके चौपहिया वाहन है ये सब क्या है आपके, बैन है। तो चलिए इस टाइप से इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि कुछ वैन बसें नहीं हैं, कुछ बैन यहाँ पर कहा है कि क्या है कि बसें नहीं हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ तो नहीं है कि कुछ बसें बैन नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपका क्या है ये कुछ है इसमें से, तो आपका ये हो सकती है, तो आपका आपका पहला निष्कर्ष होगा गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है कि कुछ बसें बैन हैं, ठीक है, कुछ बसें बैन हैं, तो बिल्कुल हाँ कुछ बसें बैन हैं, ठीक है, तो इस टाइप से आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा और फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसमें कहा गया था कि कुछ देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, कुछ बैन बसें नहीं हैं, कुछ बैन बसें नहीं हैं, दूसरे में कहा गया कुछ बसें बैन हैं, तो यहाँ पर कुछ चल रहा है इस टाइप से, तो यहाँ आपका कुछ वाला सही होगा पॉजिटिव वाला, और आपका नेगेटिव वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा आपका, बी, तो सॉरी 6 का बी सही हो जाएगा, कि केवल क्या है जो सेकंड वाला हमारा निष्कर्ष निकलता है कि कुछ बसें बैन है, यही आपका सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसी टाइप से, देखिए इसमें जब तक आप बैनर एक अच्छे से नहीं बनाएंगे तब तक आपको जो क्वेश्चन नहीं समझेगा, आप डाउट में रह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन कुछ डॉक्टर नर्स हैं, कुछ हमारे डॉक्टर हैं, ठीक है, हमारे क्या हैं, नर्स हैं। और फिर कहा क्या कहा गया है कि सभी जो नर्स हैं वह क्या हैं, रोगी हैं, ठीक है, क्या हैं, रोगी हैं। तो यहाँ पर अब इसके निष्कर्ष देखते हैं कि सभी डॉक्टर रोगी हैं, तो ये तो नहीं है सभी डॉक्टर नहीं, अगर हाँ कुछ कहता तब तो ठीक था, सभी डॉक्टर रोगी हैं ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ रोगी डॉक्टर हैं, तो कुछ रोगी डॉक्टर हैं ये आपका हो सकता है, देख इनका इनका रिलेशन सिर्फ कुछ का होगा, ठीक है, कि कुछ रोगी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर रोगी हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ठीक होगा, कि क्या है कि सिर्फ जो है आपका क्या है जो सेकंड निष्कर्ष है वह आपका ठीक निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ अभिनेता गायक है, देखिए अभी जितने हैं सारे तीनों ही लास्ट के जो हैं एक ही ऐसे हैं, जिसमें इसमें भी देखिए आपके अभिनेता दिए गए हैं, ठीक है, और कुछ आपके क्या हैं, गायक दिए गए हैं, और कहा गया कि सभी गायक जो हैं आपके नर्तक हैं, तो उसी टाइप से इसने कहा कि देखो कुछ अभिनेता नर्तक है, तब तो ठीक हो जाएगा आपका, कुछ अभिनेता इसमें क्या है, नर्तक हैं। दूसरा कहा है कोई गायक अभिनेता नहीं है, कोई गायक अभिनेता नहीं है, तो कैसे नहीं है, इसमें कुछ बोला गया है तो इसमें संबंध है, इसमें ना मना किया गया, तो आपका निष्कर्ष सिर्फ फर्स्ट से निकलेगा, तो यहाँ पर आपका 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए इस टाइप से 9 से 12 तक हम जाएंगे तो क्या है जो हमारा पहला वाला आंसर होगा उसके अनुसार आपका केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, सेकंड के अनुसार केवल निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है, थर्ड के अनुसार ना फर्स्ट ना सेकंड करेगा। तो आपको ये भी देखना है कि किस ऑप्शन में क्या दिया है, ऐसे नहीं कि आप लगा है। तो आप इनको पहले नोट कर लीजिए जो भी आंसर है ये वाले कि हाँ इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, फिर हम अपने आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, सॉरी 9, कि सभी पेंसिल कागज़ हैं, जो इतने भी हमारे सभी पेंसिल हैं ये हमारे क्या हैं, सब कागज़ हैं, ठीक कागज़ हैं, और सभी पेन कागज़ हैं, तो जो हमारे पेन हैं ठीक ये आपके ये कागज़ वाला है तो इसके अंदर आएंगे, फिर है सभी कागज़ इरेजर हैं, जो हमारे जितने सभी कागज़ हैं वह क्या है हमारे इरेजर हैं, ठीक, फिर क्या क्या है सभी इरेजर सुई हैं, तो अब आपकी जितनी सुई के अंदर ही आपका आएगा इस टाइप से कि सभी इरेजर जो है हमारी, सॉरी पहले इरेजर आएगा कि सभी इरेजर बोला गया, ठीक है सभी इरेजर जो है हमारी वह क्या है सुई है। इनको आप अलग अलग बना सकते हैं अच्छे से, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है आप अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा। उसके बाद ये कथन पहला क्या कहता है हमारा कि सभी इरेजर पेंसिल है, ठीक है क्या कहता है सभी इरेजर पेंसिल हैं, तो आपका या तो गलत होएगा सभी इरेजर पेंसिल नहीं है देखिए, ठीक है, और फिर है सभी पेन सुई हैं, दूसरा कौन सा पूछता है सभी पेन सुई हैं, तो देखिए सुई वाला किसमें आएगा एस में, ठीक है इस टाइप से कि एस क्या था हमारा यहाँ पर, देखिए सभी पेंसिल यहाँ पर क्या है कागज़ हैं और सभी पेन कागज़ हैं, सभी कागज़ इरेजर हैं और आपकी सभी इरेजर सुई हैं, तो जो आपका ये वाला सुई होगा तो इसमें इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका जो है पेन भी आ रहा है, तो आपका पेन भी सभी क्या होंगी सुई होंगी। तो इस टाइप से यहाँ पर आपका 9th का बी सी हो जाएगा, केवल क्या है सेकंड वाला निष्कर्ष हमारा सही निकलता है, बाकी आपका जो फर्स्ट वाला है वह आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप जो है अपना अच्छे से ड्रॉ करके तभी आप आंसर दीजिएगा। देखिए इस टाइप से कि कुछ टेबल दरवाजे हैं, कुछ टेबल हैं यहाँ पर वह आपका क्या है दरवाजे हैं, डीसी नोट कर दिया मैंने दरवाजे को, फिर कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं, कुछ दरवाजे आपका क्या हो जाएंगी खिड़कियाँ हो जाएंगी, फिर है सभी खिड़कियाँ डेस्क हैं, ठीक है सभी खिड़कियाँ डेस्क हैं, फिर कहा गया कि कुछ डेस्क आपके फ्रेम हैं, तो आप आराम से इनको डायग्राम बना लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होगा, पहला है कुछ फ्रेम दरवाजे हैं, तो देखिए फ्रेम ये रहा हमारा दरवाजे ये रहा, कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है ठीक है तो ये गलत हो जाएगा, फिर है कुछ डेस्क टेबल हैं, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है ये भी आपका क्या है गलत हो जाएगा, तो इसमें निष्कर्ष क्या है 9th का, 9th का ऑप्शन नंबर सी है ना फर्स्ट ना सेकंड, दोनों इसमें आपके निष्कर्ष गलत है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 के, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कुछ तंबू बिल्डिंग है, कुछ तंबू हमारे कुछ कब इस टाइप से हम बनाते हैं बिल्डिंग है, और कुछ बिल्डिंग दीप, आप देखिए दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए आप, लेकिन क्या आंसर बस हमारा ठीक होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर कुछ बिल्डिंग हमारी क्या है दीप हैं, और कुछ दीप हमारे मोमबत्ती हैं, इस टाइप से कहा गया है कुछ मोमबत्ती हमारी बिग हैं, ठीक है तो निष्कर्ष देखते हैं, कुछ बिग बिल्डिंग है, ठीक है यहाँ पर कहा गया है कुछ बिग बिल्डिंग है, तो देखिए ये हमारे बिग रहा और ये हमारे बिल्डिंग रहा, कोई भी निष्कर्ष इसमें नहीं है, फिर कहा गया है कि कुछ मोमबत्तियाँ तंबू हैं, तंबू कहाँ पर था हमारा ये हमारा मोमबत्ती, हाँ तंबू ये फर्स्ट वाला था, तो यहाँ पर इसमें कोई निष्कर्ष इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे और आपका 11th का सी ऑप्शन सी हो जाएगा कि ना ही निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना ही सेकंड फॉलो कर रहा है। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कुछ घर गाँव हैं, देखिए कुछ इस टाइप से बना लिए, कुछ घर आपके क्या हैं गाँव हैं, ठीक है कुछ घर आपके क्या हैं गाँव हैं, और सभी गाँव हमारे क्या हैं शहर हैं, ठीक और सभी शहर हमारे क्या हैं ज़िले हैं, और सभी ज़िले हमारे क्या हैं तालाब हैं, इस टाइप से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा इधर अच्छे से बना दे रहा हूँ आपका, इस टाइप से देखिए कुछ घर हैं हमारे वो क्या हैं गांव हैं, ठीक है और सभी गांव हमारे शहर हैं, और सभी शहर हमारे ज़िले हैं, और सभी ज़िले हमारे तालाब हैं। अब पूछा गया इसमें ऑप्शन, तो है कुछ तालाब घर हैं, तो कुछ तालाब घर बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि इनका इनका क्या है कुछ का रिलेशन है, और फिर पूछा गया कुछ ज़िले गांव हैं, तो बिल्कुल हाँ कुछ ज़िले आपके क्या हैं गांव हैं, तो यहाँ पर आपके निष्कर्ष दोनों ही बिल्कुल सही निकलेंगे, यहाँ पर 12th का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि निष्कर्ष फर्स्ट और दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए आपके इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करते रहिए, अपने प्रैक्टिस को और बेहतर बनाते रहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।